हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट के डाउट क्वेश्चन को कवर किया है और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझेंगे। इन ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 mm। द लाइट एंटरिंग द आई गेट्स रिफ्रैक्टेड एट द कॉर्निया एंड देन एट द लेंस। सिलियरी मसल्स इन द आई कैन कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग इट्स सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन सुनेंगे। डायना इज लुकिंग एट द मून, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस इन डायनास आई एट दिस टाइम। तो समझो, देखो मून हमारे आई से काफी दूर है, ठीक है। तो मून किस पोजीशन पे है? इनफाइनाइट। ठीक है, समझोगे बात को अच्छे से। हमने इनफाइनाइट क्यों लिया भाई, और इनफाइनाइट कहते कब है? मैंने आपको बता रखा है कि जब लेंस जो है ना, लेंस के साइज के कंपेयर में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन काफी दूर हो, जैसे मून हो गया आपका, है ना, ये तो काफी दूर हो गया, मून हो गया, सन हो गया, तो ये काफी दूर है, यानी इनका जो पोजीशन है हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। क्लियर? और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होती है तो उसका इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे। क्लियर? अब जब आपने टॉप वाली लाइन पढ़ी, उसमें लिखा है कि इन ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 mm। इसका मतलब रेटिना क्या है? स्क्रीन है, ठीक है, यानी स्क्रीन पे आपका इमेज बन रहा है, तो ये बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ है ना वो कितना है? 17 mm। क्लियर? यानी फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है? इनफाइनाइट पे है, तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा और यानी वो 17 mm का बनेगा। साइज आप कमेंट में बता सकते हो कि साइज क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे होता है। सेकंड पार्ट, डायना इज रीडिंग अ बुक कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम हर आईज, व्हाट इज द फोकल लेंथ, है ना। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका 20 cm है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव में लेते हो, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, ठीक है, मतलब कोई सा भी लेंस या कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, ओके। और यहां पे अब इमेज डिस्टेंस आपका, यानी जो फोकल लेंथ है ना, जहां पे आपका रेटिना है, वो कौन कितने डिस्टेंस पे है? 17 mm। क्लियर? और हमसे क्या पूछा? फोकल लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। यहां से वैल्यू पुट कर लिया जाए तो 1/v की वैल्यू आपका 17 है ना, mm है, और ये -20, तो या तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, एक ही यूनिट रखनी होगी अपने को ना। तो यहां पे -20 cm, चलो इसी में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो 1/f, ये माइनस माइनस तो ये प्लस ही कर दो आप, ठीक है, तो 17 और 200 का एलसीएम, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 3400, और यहां पे आ जाएगा आपका 200 + 17, 1/f 217 3400, ठीक है। तो यहां से f की जो वैल्यू आ जाएगी 3400217, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मिलीमीटर। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, ठीक है, माइनस प्लस में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, चलो मिलते हैं। नहीं, अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक पार्ट है इसका। व्हेन डायना ब्रिंग द बुक क्लोजर टू हर आई द लेटर appears blurry to her and she cannot read the book, explain why the letter appear blurry to her। देखो अभी अब यहां पे चीजों को समझोगे, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं मारना। देखो दो केस बनते हैं, है ना, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इमेज क्लियर नहीं देख पाओगे, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, तो क्या केस बन सकता है? या तो रेटिना से पहले बन जाए, है ना, अगर रेटिना पे अगर आपका इमेज बनता है, ठीक है, तो फिर आप तो क्लियर देख पाओगे, लेकिन रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे आपका इमेज बनता है तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब यहां पे ये सोचना है आपको कि इमेज बन कहां रहा होगा, रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे, सोचो जरा। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट ना आई के नजदीक आ रहा है,
और अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है, देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक की कमी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्ट अगर आप आई के पास ले आओगे, यानी इमेज फॉर्मेशन अगर आपने लेंस से पढ़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हो है ना, इमेज डिस्टेंस बढ़ जाता है लेंस से, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हो तो इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। और अगर हम दूर ले जाते हैं है ना, तो बिफोर रेटिना बन जाता, क्लियर है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बोल सकते हो आप, ओके। चलो तो इस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं या मेरे को व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।